वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। अभी बज रहे हैं दिन के 12 और वही रात को फिर फोन पे बैटरी नहीं थी, तो आज कोई काम, धूप तो बहुत बढ़िया रही आज, तो पावर बैंक सब चार्जिंग पे लगा, लेकिन काम करने वाला कोई आज आया नहीं। लगता है वो टीम कहीं और निकल गई किसी और काम पे, या बनी नहीं बात। तो आज मैंने की है घर की सफाई, तो सेटअप सारा चेंज किया। जरूरी होता है कि आप अपने घर के सेटअप को चेंज करें, चाहे एक हफ्ते के लिए करें, फिर उसको दोबारा वैसा कर दें अगर आपको समझ अच्छा नहीं समझ आ रहा है, लेकिन चेंज एक बार ज़रूर करें। तो चेंज करने से क्या होता है, कोई खोई हुई चीज़ होती है आपकी इधर उधर पड़ी है वो मिल जाती है, दूसरा इलाके की साफ़ सफाई हो जाती है। इस तरफ की सफाई हो गई, तो मैं किचन को इस तरफ लिया है और बक्से को मैंने इधर खिड़की से हटाकर इस दिशा में शिफ्ट कर दिया है। तो इवन के मैंने यहाँ से तंदूर भी हटा दिया है, जो तंदूर यहाँ लगा था, और उस तंदूर को मैं इस वाली खिड़की पे ले आया हूँ। तो ये सारा नया सेटअप है और नया सेटअप करते रहना चाहिए। अब चूंकि बरसातें चली गई है, विंटर आने वाली है, तो मैंने नया सेटअप कर दिया। तो अब ये सेटअप सुटअप करके मैं काफ़ी थक गया हूँ, तो मैं थोड़ा सा स्नान शुद्धिकरण करके फिर थोड़ा भोजन भजन करता हूँ और आप लोगों से आज शाम को मिलता हूँ। काम करने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन हाउ इट ऑल स्टार्टेड Part 2 आगे देखिए। तो पूरा दिन थकने के बाद, काम कुम करने के बाद बहुत भूख लग गई थी, क्योंकि सुबह से बिना खाना खाए लगा हुआ था। तो ये रात की सब्जी और जरा सी रोटी बनाई अभी, और साथ में है गर्मा गर्म चाय। तो लड्डू को पहले डाल दिए रोटियां बना के, और अब खुद भी कोशिश कर रहा हूँ खाने की, क्योंकि पहाड़ी आदमी दिन में भात खाने की बहुत इच्छा करती है, पर क्या करें अभी टाइम नहीं था, पूरा दिन काम ये साफ सफाई में वेस्ट हो गया। तो मैंने कहा आटा पड़ा, फटाफट रोटी लगा के पहले नाश्ता ही कर लेते हैं। नाश्ता और हमारा 1 बजे, आह चाय, दुआर टी, दुआर आसाम और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर है, पर पास सबसे ज्यादा भूटान के, भूटान का बेस है दुआर्स। तो भाई लोगों, देखते ही देखते शाम होगी पता ही नहीं लगा, और बहुत बिजी रहा आज। थोड़ा कटाई छटाई की, पीछे झाड़ियाँ बहुत हो रही थी, बरसात के बाद होता ही है, पहाड़ में झाड़ियाँ बढ़ जाती हैं। और आज मेन्यू में है देखिए, कुछ अंडे उबल रहे हैं और कुछ मैंने आलू रखे हैं उनके साथ, और ये घी का डब्बा है, घी पिघला रहा हूँ मैं पानी में। तो ये कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं। तो वो देखो लड्डू पीछे आराम कर रहा है मज़े से, और अब मैं आपको सामने घाटी का नज़ारा दिखाता हूँ। तो ये देखिए आज लगे हैं बादल, और जो भी मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं और एंजॉय करते हैं मेरा वीडियोस देखना, उनके लिए मैं ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि एक दुख भरी खबर है और एक खुश भरी खबर है। तो पहले मैं आपको दुख भरी खबर सुनाता हूँ कि मैं आने वाले 4 दिन वीडियोस नहीं बना पाऊँगा, और खुशी की खबर ये है कि मैं सतोपन ट्रैक पे रहूँगा, और सतोपन ट्रैक से वापस आके मैं आप लोगों को एक बहुत बढ़िया वीडियो देने वाला हूँ। तो 3-4 दिन वीडियो नहीं बना पाऊँगा, मुझे दुख रहेगा इस बात का, लेकिन अगर कहीं भी मुझे नेटवर्क मिले तो मैं कुछ भी डालने से चुकूँगा नहीं। तो देखिए धूप जा चुकी है उस पार, तो धूप सन वैली को छोड़ के जा चुकी है। सन वैली, सन वैली, अच्छा ये क्या है, ये व्यू होता है, व्यू दरवाजे पे। एक ये है ये बीच वाला है जिसमें मैंने दिया भी रखा हुआ है, दूसरा और ये तीसरा, इसमें माचिस रखी है। तो व्यू व्यू होता है छोटा सा दिया जलाने के लिए, पुराने ज़माने में बिजली नहीं होती, पुराने ज़माने में क्या, नए ज़माने में बिजली नहीं। आज देखो मैंने सेटअप चेंज किया, तो किचन का सारा सामान इधर आ गया खिड़की पे, ये दिख रहा है आपको, ये नहीं, ये अमूल बटर। तो सेटअप चेंज करने से वो पीछे लगातार धुआं लगा हुआ है, बन रहा है खाना, लड्डू आराम कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है कि खाना कब मिलेगा उसे। वो देखो वहाँ सबको,
पैर पे उसके चोट है लेकिन फुर्ती आ गई है अब उसमें, उसको मतलब वैसे दर्द नहीं, जैसे पहले दिन वो लचक रहा था अब नहीं लचक रहा है, अब वो इधर उधर कूद रहा है सीधा, तो ठीक है, कर रहा है, रिकवर कर रहा है, इतना कोई उसे दुख दर्द नहीं है, तो ये है अच्छी खबर। और चलो फिर मैं भोजन की तैयारी करता हूँ, अगर हो सका तो मैं रात को भोजन में आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। तो ये देखिए मित्रों, ये बन रही है टोमेटो ग्रेवी। एक्चुअली मैं पूरा रिकॉर्ड कर रहा था पर गलती से मैंने बटन नहीं दबाया या फोटो का बटन दबा दिया और वो वीडियो बनी नहीं, तो मैं यहाँ तक पहुँच गया था लास्ट टमाटर डालने तक। ये टोमेटो ग्रेवी है मेन, इसमें उससे पहले मैं खड़े मसाले डाल चुका हूँ, अदरक लहसुन प्याज, और खड़े मसालों के बाद नमक, अपना मिक्स मसाला, और अब ये टमाटर। तो ये टमाटो रिच ग्रेवी होने वाली है, इसमें टमाटर को बिल्कुल फाइन हमने इसका पेस्ट बना देना है, इसके बाद ही हम इसमें कुछ ऐड करेंगे। तो ये बन रही है अंडा करी, और मैं कोशिश करूँगा कि इसमें थोड़ी करी बने क्योंकि मुझे अभी भात खाने का मन है, दिन में मैंने रोटी बनाई थी, तो हम बनाएंगे भात। और मुझे लग रही है ठंड, मैं जाता हूँ और जैकेट पहन के आता हूँ। तो ये लो जी, वापस आ गया मैं जैकेट पहन के, ठंडा तो हो ही रहा है। और इधर हमारी ग्रेवी भी लगभग लगभग बन गई है, तो टाइम लगता है इसमें काफ़ी देर, कैमरा बंद रहा, आप ये ना सोचें कि बस कि अभी बन गई है, इसमें टाइम लगाना पड़ता है। अगर आपने यहाँ टाइम लगाया तड़के पे, गुड्डू गुड्डू भी आ रखा है आज यहाँ पे, वो देखो गुड्डू गुड बॉय, गुड्डू भी है, लड्डू भी है, जब तक ये और पेस्ट नहीं हो जाता तब तक हम इसमें पानी या कोई कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि तो एक बार अगर हमने इसमें कुछ ऐड कर दिया पानी या मेन आइटम तो ये ऐसा ही रह जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, ये बिल्कुल टेस्ट फॉर्म में चाहिए ताकि हमारी ग्रेवी रिच बन सके। चलो थोड़ी आँच बढ़ाते हैं, लेकिन धीरे, राख ना उड़ जाए। तो ये लो जी, आग बढ़ गई, आग बढ़ गई, तो अब तड़का भी जल्दी बन गया। तो मैं अकेला आदमी हूँ तो मेरे लिए एक प्याज और दो टमाटर बहुत थे, और उसमें नहीं मेरी इतनी अच्छी ग्रेवी बन गई है। और खड़े मसालों का इसके स्वाद में बहुत बड़ा योगदान रहेगा, लेकिन खड़े मसाले वहीं यूज किए जा सकते हैं जहाँ ज़्यादा गर्मी ना हो माहौल में। अगर आपके माहौल में ज़्यादा गर्मी है तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो लड्डू और गुड्डू दोनों बैठे हैं। नो 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 नो, इसका कोई भरोसा नहीं है, तुरंत मुंह मार के और भाग जाए अपने घर, क्योंकि गुड्डू तो दूसरे घर का है ना, लड्डू तो नहीं करेगा क्योंकि लड्डू को पता है मार पड़ेगी, कहाँ जाएगा। तो चलो मैं खाना बनाता हूँ और सायोनारा। ये देखिए इन दोनों को खिला चुका हूँ आधा आधा अंडा, फिर भी मान नहीं रहे हैं, बैठ गए हैं। गुड्डू भी यहीं कह रहा है मैं भी नहीं जाऊंगा जब तक मुझे मिलेगा नहीं, और दोनों मुस्तैद, नो गुड बॉय गुड बॉय, दोनों बैठ गए हैं देखो एकदम मुस्तैदी से। तो यहाँ ये देखिए, ये हमारी अंडा कढ़ी बन के तैयार है और बहुत ही लजकदार होने वाली है, वाह।
तो ये लो मित्रों, फाइनली चढ़ा दिया है भात भी, और सब्जी अंडा करी उठा के अंदर रख दी, भात बाहर चढ़ा दिया है। थोड़ी देर में उसमें दो सीटियां आ जाएंगी, मैं से लेने आ जाऊंगा, और उसके बाद हम खाएंगे मजेदार खड़े मसाले वाला अंडा भात। वाह, मजा आना, अंडा बिरयानी जैसा फील आएगी, बहुत ही मजेदार। और लड्डू को भी मिलेगा उसमें से एक अंडा और थोड़ा सा भात। गुड्डू को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि गुड्डू अपने घर जाके खाएगा। अब मैं गुड्डू के लिए मैंने रखे ही नहीं पहले से अंडे, या तो गुड्डू शाम को जल्दी आ जाता तो मैं गुड्डू के लिए भी दो अंडे चढ़ा देता, पर गुड्डू की सेहत ठीक है, गुड्डू घर में खा रहा है दबा के। हमें लड्डू पे ध्यान देना है, लड्डू आजकल चोटिल भी है। तो देखो दोनों कैसे मुस्तैदी से बैठे हैं, और पीछे दिखाता हूँ मैं आपको, वो देखिए सोलर लाइट जल चुकी है, वो देखिए सोलर लाइट में से रोशनी है, आप देख सकते हैं। तो बस अभी तो कुछ हुआ, आज सामने वही बादल लगे हैं, अब उस तरफ कोई धूप नहीं है। थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको वीडियो दिखाई थी उसमें धूप उस तरफ थी, अब हर जगह अंधेरा है। ये पीछे काफ़ी लाइट खींच रहा है मेरा मोबाइल, लेकिन इतनी रोशनी है नहीं, एक अजीब सा अंधेरा जैसा है, जिसको फील करने के लिए मुझे इसको थोड़ा डिम करना पड़ेगा। ये लीजिए, इसे डिम करता हूँ, नहीं हो रहा, ऑटो पे जा रहा है बार बार। तो ये है अंधेरा, अब आप देख सकते हैं कितना अंधेरा है। सायोनारा।